हेलो एवरीवन दिस इज सो हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल तो आज हम देखेंगे कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कितने इसके टाइप्स हैं और इसके एक्सैम्पल क्या है अच्छी तरह से हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है आपको पता ही होगा फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी को बाई और सेल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं तो इस फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क होते हैं चलिए अब हम समझेंगे कि क्या है ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हम बहुत से नामों से जानते हैं किस नाम से जानते हैं एफ एस रिस्क फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और क्या है एक्सचेंज रेट रिस्क रेट रिस्क और करेंसी रिस्क करेंसी रिस्क तो ये क्या होता है ये होता है जो कि चेंज एक्सचेंज रेट के चेंज होने से जो पोटेंशियल गेन या फिर लॉस होता है उसे ही हम फॉरन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं अगर अनकवर्ड क्लेम है तो उसे हम लॉन्ग कहते हैं और अनकवर्ड लाइबिलिटी है फॉरेन करेंसीज़ में तो हम उसे शॉर्ट कहते हैं मतलब फॉरेन करेंसी की जो फ्लक्चुएशन होती है रेट की चेंजेस होती है एक्सचेंज रेट की उससे जो पोटेंशियल गेन या लॉस होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं चलिए इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है फ़ॉरन एक्सचेंज रिस्क तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है वो फाइनेंशियल रिस्क होता है जो कि एग्जिस्ट होता है किससे जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जाती है एक करेंसी से दूसरे करेंसी में मतलब अपने डोमेस्टिक करेंसी के साथ किसी और दूसरे करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के साथ जब ट्रांजेक्शन की जाती है फाइनेशियल ट्रांजेक्शन तो उससे जो फाइनेंशियल रिस्क अराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है बेराइज होता है या तो फिर एक्सचेंज रेट में अनफेवरेबल चेंजेस आ जाती है जब रिस्क उससे जो रिस्क होता है अनफेवरेबल चेंजेस से उसे हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क द रिस्क ऑफ एडवर्स चेंजेस इन द सेटलमेंट वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इंटर इन अ करेंसी अदर देन द बेस करेंसी मतलब करेंसी को छोड़कर अपने देश की करेंसी जो है उसे छोड़कर किसी दूसरे करेंसी के साथ जब हम मतलब रुपए को रुपए में नहीं रुपए को अगर हम डॉलर के साथ कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उससे जो फ्लक्चुएशन आती है एक्सचेंज रेट में उसे हम क्या कहते हैं वो रिस्क को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो होता है ये कब एराइज होता है तब एराइज होता है कब जब मूवमेंट होती है बेस करेंसी रेट यानी कि डोमेस्टिक करेंसी अपने देश की करेंसी रेट के साथ दूसरे देश की करेंसी के साथ ओके और डिनोमिनेट करेंसी रेट के साथ जब दूसरे देश डिनोमिनेशन मतलब दूसरे करेंसी में जब आप चेंज करते हो तो उससे जो रेट में जो रिस्क एराइज़ होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं मतलब फॉरेन करेंसी के साथ अपने देश की करेंसी की जो एक्सचेंज होती है उसमें जो फ्लक्चुएशन अराइज़ होती है उस रिस्क को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो नाम क्या क्या है एक्सचेंज रेट रिस्क इफेक्स रिस्क और करेंसी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सचेंज रेट रिस्क कहा जाता है क्यों क्योंकि ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालती है किस पर एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन में तो मैंने इसे बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया आपको फिर भी मैं एक बार और बता रही हूँ कि सिंपल टर्म में क्या है इसका मतलब कि फ़ॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है जो एक देश की दूसरे देश के साथ जो एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट में कुछ चेंजेस आ जाती है उससे जो अफेक्ट होता है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं तो जिससे बिज़नेस जो फाइनेंशियल बिज़नेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जो फाइनेंशियल कंडीशन अफेक्ट होती है अफेक्टेड होती है एक्सचेंज रेट की अगर फ्लक्चुएशन आ जाती है तो तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो होता है ये एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए जो गुड्स और सर्विसेज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये एक्सचेंज रेट रिस्क बहुत ही बड़ा रिस्क माना गया है एक मेज़र रिस्क माना गया है और उसे मैनेज भी किया जाता है कुछ हद तक तो हम बाद में उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हम इस रिस्क को मैनेज करते हैं बट पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के रिस्क हैं आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की एक क्लैरिफिकेशन हो गई होगी चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर आउट करूँगी मान लीजिए कि एक कंपनी जो कि इंडिया में बेस्ड है और वो बिज़नेस करती है यूएसए में और जो उसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है क्योंकि वो बिज़नेस करती है यूएसए में तो उसको यूएस US, यूएसए की जो डॉलर होती है उसमें उसे अमाउंट मिलता है फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस में होती है डॉलर्स में बट उसकी जो बेस कंट्री है वो कौन है इंडिया है तो वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा रिपोर्ट जो करेगा वो किस में करेगा इंडियन रुपीस में और इससे क्या अराइज़ होगा डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे रिस्क जो अराइज होगा उससे एक्सपोज होना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि डॉलर में रिसीव हो रहे हैं डॉलर में रिसीव हो रहे हैं इसीलिए इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रुपीज़ में ही बनेगी तो जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगी बिटवीन दी डॉलर डॉलर क्या है फॉरेन करेंसी है और इंडियन रुपीस इंडियन रुपीस क्या है डोमेस्टिक करेंसी है जिसमें जो रिस्क का राइज होगा उसे हम क्या कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अब तो आपको क्लियर हो गया होगा फॉरेन करेंसी रिस्क ये क्यों होता है क्योंकि अगर बेस करेंसी मतलब डोमेस्टिक करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी अगर अप्रिशिएट या डिप्रीशिएट दोनों में अगर कुछ डिफरेंस आ जाए बेस करेंसी की अप्रीसीशिएशन या डिप्रिशिएशन या फिर फॉरेन करेंसी की अप्रीशिएशन या डिप्रिशिएशन या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन तो इससे क्या होगा इससे जो रिस्क अराइज होता है फ्लक्चुएशन में दोनों के डिफरेंस से इसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी रिस्क या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क चलिए अब हम इसकी टाइप्स को देखेंगे तो तीन तरह के होते हैं ये रिस्क चलिए देखते हैं कि क्या क्या है फर्स्ट है ट्रांजेक्शन रिस्क सेकेंड है इकोनॉमिक रिस्क ट्रांजेक्शन रिस्क इकोनॉमिक रिस्क और थर्ड है ट्रांसलेशन रिस्क इकोनॉमिक रिस्क और थर्ड है ट्रांसलेशन रिस्क याद रखिएगा तीनों नाम ट्रांसलेशन रिस्केशन रिस्क ओके क्या क्या है ट्रांजेक्शन रिस्क इकोनॉमिक रिस्क और ट्रांसलेशन रिस्क तो क्या है ट्रांस ट्रांजेक्शन रिस्क फर्स्ट में हम देखेंगे ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता है ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है तो ट्रांजेक्शन रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पहले जान लीजिए कि फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट और ऑप्शन के थ्रू हम इसे इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि इस रिस्क को मैनेज किया जाता है तीनों रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है हम इसको भी कवरअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में बट आज हम सिर्फ रिस्क को देखेंगे तो इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं दूसरे नाम से किस नाम से हम जानते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क को ट्रांजेक्शन रिस्क को क्या कहा जाता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर भी कहा जाता है एक्सपोजर से घबराइएगा मत ये सेम ही बात है रिस्क और एक्सपोज़र का मतलब सेम है रिस्क इक्वल टू एक्सपोजर फॉरेन रिस्क एक्सपोजर भी इसे कहा जाता है तो ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है तो ट्रांजेक्शन रिस्क को हम किस तरह से सही कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन से तो ट्रांजेक्शन रिस्क वो रिस्क है जब कंपनी कब फेस करती है इसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के थ्रू कैसे ट्रांजेक्शन रिस्क ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है ट्रांजेक्शन रिस्क वो रिस्क है जब कंपनी दूसरी करेंसी में या फिर अपने देश की करेंसी के अलावा डोमेस्टिक करेंसी के अलावा दूसरे करेंसी के साथ ट्रांजेक्शन करती है तो जो टाइम गैप होता है एक ट्रांजेक्शन के बीच का मतलब सेटलमेंट मतलब सेल गुड्स की सेलिंग के टाइम से गुड्स की जो सेलिंग के टाइम से जो सेटलमेंट की जाती है अमाउंट को जब पे किया जाता है तो उसकी जो टाइम गैप रहती है उस गैप के बीच अगर कुछ फ्लक्चुएशन आ जाए एक्सचेंज रेट में तो उसे क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क कहते हैं या फिर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहते हैं टाइम गैप बिटवीन गुड्स की सेल के बीच और या फिर सर्विसेज के बीच और पेमेंट या रिसिप्ट के बीच तो ये टाइम जो पीरियड रहता है इस टाइम पे अगर कुछ एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ जाती है चेंजेस आ जाते हैं तो उस रिस्क को क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क कहते हैं तो ये जो ट्रांजेक्शन रिस्क रहती है या फिर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर रहती है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑप्शन के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं बट इसे हम बाद में जानेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिससे कि रिस्क को मैनेज किया जाता है बट पहले हम रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे ट्रांजेक्शन रिस्क का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइम गैप होती है बिटवीन गुड्स के सेलिंग या फिर सर्विसेज के जो टाइम गैप सर्विसेज से गुड्स की जो सेल्स होती है उसके उससे जो सेटलमेंट की जाती है अमाउंट की रिसिप्ट या पेमेंट की जाती है उसकी जो बिटवीन टाइम गैप होती है उसमें जो फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन की जो रिस्क अराइज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क ये कब कब होता है जैसे कि डेटर रिसेबल हो गई फॉरेन करेंसीज़ में ग्रेटर पेबल हो गए फॉरेन करेंसीज़ में या फिर फॉरेन कुछ इन्वेस्टमेंट करनी हो फॉरेन लोन्स करने हो तो तब तक ये आती है ये ट्रांजेक्शन को क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के टर्म पे आप बोल सकते हो कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या फिर बॉरिंग या लेंडिंग करनी हो फॉरेन करेंसीज़ में तो जो ट्रांजेक्शन उसमें परफॉर्म की जाती है इसमें जो एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस अराइज़ होता है सेटलमेंट की ट्रांजेक्शन की सेटलमेंट के दौरान इसे हम ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहते हैं तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि क्या है ट्रांजेक्शन रिस्क मान लो कि एक कंपनी इंडियन कंपनी को अपनी कुछ सामान परचेज करवानी है कुछ गुड्स परचेज़ करवाने हैं कैनेडा से तो जो कैनेडा से उसने गुड्स मंगवाए हैं वो तब कितने थे एक डॉलर की कीमत थी कैनेडियन डॉलर की कीमत थी एक कैनेडियन डॉलर की कीमत थी, की थी मान लो कि सेवेंटी फाइव रुपीज़ उस टाइम पे थी जिस टाइम पे उसने मंगवाए थे जिस टाइम पे उसने इंडियन कंपनी ने गुड्स को इम्पोर्ट कराया था उस टाइम पे सेवेंटी फाइव थी बट उसने उस टाइम पे पेमेंट नहीं किया था पेमेंट उसने कुछ दिन बाद करने हैं तो पेमेंट जब वो करेगी जब सेटलमेंट करेगी तब तो एक डॉलर की कीमत कितनी हो गई सेवेंटी नाइन रुपीज़ तो क्या हुआ ये जो टाइम गैप है तो जो सेवेंटी फ़ाइव से सेवेंटी नाइन रुपीज़ हुई ये जो फ्लक्चुएशन अराइज़ हुई इससे एक कंट्री को तो फ़ायदा हुआ एक कंपनी को फ़ायदा हुआ और दूसरे को नुकसान हुआ ये जो रिस्क अराइज़ होती है फ्लक्चुएशन के कारण इसे हम क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा कि ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है अब हम देखेंगे इकोनॉमिक रिस्क किसे कहते हैं क्या है इकोनॉमिक रिस्क इकोनॉमिक रिस्क कब अराइज होता है तो इसे इकनॉमिक रिस्क इकनॉमिक रिस्क को कौन कौन से नामों से जानते हैं हम ओके फोरकास्ट रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क या फिर इकनॉमिक एक्सपोजर तो ये क्या रिस्क होते हैं ये वैसे रिस्क होते हैं ये अनवॉर्डेबल होते हैं और ये अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं इसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता और ये रिस्क डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं कंपनीज की मार्केट वैल्यू पे ये कैसे अराइज़ होते हैं ये इकनॉमिक है तो इसका एक न्यूमॉनिक बना लीजिए कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से ये रिस्क डायरेक्टली रिलेटेड है ये इकोनॉमिक रिस्क कहाँ से क्रिएट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू फॉर एक्जाम्पल गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू या फिर कोई जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले सिचुएशन आ जाए उसके थ्रू तो ये रिस्क इकोनॉमिक रिस्क अराइज होते हैं ड्यू टू जियोग्रोटिकन स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस आ जाए माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से तो ये अफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली किस पर कंपनीज़ की मार्केट वैल्यू पर और ये रिस्क क्या होते हैं अन इन नेचर होती है और ये किस पर अनएक्सपेक्टेड करेंसी रेट फ्लक्चुएशन पर के कारण होती है और ये अफेक्ट किस पर डालती है कंपनीज की डायरेक्टली कैश फ्लो पे अफेक्ट डालती है और ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होती है और जो कंपनी की फार्म की वैल्यूएशन होती है ये उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और इसमें क्या होता है जो हेजिंग होती है ये भी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि अनएक्सपेक्टेड नेचर का होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशन की अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाती है उसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में तो इसमें हेजिंग करना भी डिफ़िकल्ट होता है तो मल्टीनेशनल कंपनीज को बहुत बार ऐसा फ़ेस करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी रहती है उसको फॉरन करेंसीज़ में और इकनॉमिक एक्सपोजर का बहुत बार उन्हें सामना करना पड़ता है तो ये किस कारण होती है गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण या जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण तो चलिए ट्रांसलेशन रिस्क ट्रांसलेशन रिस्क का क्या मतलब है ट्रांसलेट करना मतलब अगर आप नाम से समझने की कोशिश करोगे तो एक से दूसरे में ट्रांसलेट करना उस रिस्क को हम कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क ये तो मैंने आपको एक समझने के तौर पे आपको बताया बट ट्रांसलेशन रिस्क क्या है ट्रांसलेशन रिस्क वो रिस्क होता है जब एक कंपनी फेस करती है कब जब उसकी जो बिजनेस रहती है उसकी सब्सिडीज जो रहती है वो फॉरेन करेंसीज में रहती है मतलब एक कंपनी जो है एक कंपनी की हेड क्वार्टर कहाँ पर है हेड क्वार्टर डोमेस्टिकली है डोमेस्टिकली कोई बेस कंट्री है जिस पे उसकी एक हेड क्वार्टर है मान लो इंडिया की कंपनी है और वो अपनी जो सब्सिडी है वो किसी फॉरेन करेंसी में है फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री में है वहाँ पे वो अपनी बिजनेस को भी बनाई हुई है सब्सिडी की वहाँ पे भी है तो कंपनीज की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो तो डोमेस्टिक कंपनी में ही मेज़र की जाएगी और ट्रांसलेशन रिस्क कब होता है जब एक कंपनी की जो एसेट्स या फिर लाइबिलिटी या फिर इसकी इक्विटीज रहती हैं वो फॉरेन करेंसीज में अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए एक कंपनी के लिए ट्रांसलेशन रिस्क हाई रहती है मतलब एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना कोई बेस कंट्री में अगर है किसी बिजनेस की हेड क्वार्टर अगर बेस कंट्री में है इंडिया में है तो इंडियन करेंसी में अगर कोई दूसरे देश की करेंसी को ट्रांसफ़र करना है तो इसमें जो ट्रांसलेशन प्रोसेस की जा रही है तो इसे हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क कहते हैं तो ये क्या हो गया ट्रांसलेशन रिस्क इसको और दूसरे नाम से भी हम जानते हैं इसको कौन से नाम से हम जानते हैं अकाउंटिंग एक्सपोजर मतलब अकाउंटिंग एक्सपोजर से क्यों कहा जा रहा है क्योंकि एक बिजनेस को अपनी एक्सपोजर क्योंकि अपने एक बिजनेस को शो करनी पड़ेगी अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपनी कंट्री की बेस कंट्री की या फिर डोमेस्टिक कंट्री की करेंसीज में तो इसमें जो ट्रांसलेट की जाएगी एक कंट्री की करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी से अपने देश की करेंसी में डोमेस्टिक करेंसी में इसको हम क्या कहेंगे इस रिस्क को हम कहेंगे इसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग एक्सपोजर या फिर ट्रांसलेशन एक्सपोजर या फिर ट्रांसलेशन रिस्क ये क्या है ये एक प्रोबेबिलिटी है जिससे कि कंपनी या सफ़र कर सकती है उसकी एसेट वैल्यू में कुछ अगर डिक्रीज आ जाएगी ड्यू टू डिवेल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी में अगर डिवैल्यूएशन हो गई तो उसकी एसेट वैल्यू भी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी इससे क्या हो सकती है इससे हो सकता है कि कोई भी फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ना हो तो भी ये ऐसा हो सकता है पॉसिबल है क्योंकि करेंसी फ़ॉरन करेंसी में अगर आपकी एसेट्स हो तो अगर वो डिवैल्यूट हो जाए फॉरेन करेंसी डिवैल्यूट हो जाए तो एसेट्स की वैल्यू पर भी अफेक्ट डालेगा वो भी डिक्रीज हो जाएगी उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी तो ये हो गई क्या हो गई ट्रांसलेशन एक्सपोजर तो आई होप आपको ये तीनों रिस्क समझ में आ गए होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी मैनेजमेंट की टेक्निक बताऊंगी कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू रिस्क को कम किया जा सकता है ओके आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास